नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। इससे पहले भी मैं काफी सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ स्ट्रेट प्लाजो की। ये थोड़ा इसकी कटिंग का तरीका थोड़ा सा अलग है, मगर कंफर्टेबल बहुत है ये पहनने में। तो थोड़ा तरीका इसका अलग है, फॉर्मूले वही यूज होंगे जो मैंने पहले बताया, बस थोड़ा काटने का तरीका इसको अलग है। और बहुत ही कम्फर्टेबल है पहनने में, उठने बैठने में चलने में बहुत ही अच्छा ये प्लाजो बनता है। तो इसे हम बनाएंगे, हम 42 हिप साइज के हिसाब से बनाएंगे। और जो भी आपके डाउट है इनको लेकर, जो बस कमेंट आते हैं, तो उनको भी मैं साथ साथ क्लियर करती रहूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, तो मेरी जो वीडियो है पैंट और प्लाजो की, तो काफी लोग मेरी वीडियो को फॉलो करके पैंट प्लाजो बनाते हैं। तो बहुतों के तो अच्छे बनते हैं प्लाजो, बस कमेंट आते हैं मैम बहुत अच्छा बना है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैं कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि हमने आपको फॉलो करा है कि रिश्ते हैं, फिर भी हमारे प्लाजो या पैंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप मुझे मैसेज बताते तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि आपने क्या गलती की है, या तो आपने नाप लेने में गलती की है, या फिर आप, मैं बता नहीं सकती बिना देखे। मैं उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, या अपने मैसेज के जरिए आप पिक सेंड कर सकते हैं जो आपकी पैंट बनी हुई है उसमें क्या दिक्कत है। तो मैं देख कर आपको अच्छे से, आपके जो प्रॉब्लम करोगे तो मैं वो देख कर आपको बता पाऊंगी अच्छे से कि आपने कहाँ गलती करी है और कहाँ आपने किस वजह से आपका पैंट या प्लाजो सही नहीं बना है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो करें। आईडी इंस्टाग्राम आईडी मेरे चैनल पर दी हुई है, स्टिच विद रिया के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम आईडी। वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर जो आप। तो आज हम सीखेंगे स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। तो इस प्लाजो को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और ये कॉटन का कपड़ा है। अगर आप प्लाजो सेंटून कपड़े में बना रहे हैं या फिर साटन कपड़े में बना रहे हैं या कोई भी जो पतला कपड़ा है, तो उसमें आप लाइनिंग का यूज़ ज़रूर करें। अगर कपड़ा कॉटन का भी है और पतला है तब भी आप उसमें लाइनिंग का यूज़ करें, तभी आपका अच्छा लुक आएगा प्लाजो में। अगर पतले कपड़े में आप लाइनिंग नहीं लगाएंगे तो वो शरीर से चिपकेगा और दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए कभी भी आप पतला कपड़ा यूज़ करें तो लाइनिंग ज़रूर लगाएं इसमें। मेरा ये कॉटन कपड़ा थोड़ा मोटा है तो इसमें मुझे लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को खोलेंगे। ये देखिए कपड़े की लेंथ और ये विड्थ है। अब इसे हम देखिए लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे कपड़े को आपको इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए पूरा कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले हम ऊपर से निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर इलास्टिक के लिए। तो 2.5 इंच पर देखिए हम निशान लगा लेंगे इलास्टिक के लिए। ये हम फुल इलास्टिक वाला बना रहे हैं। तो देखिए ऊपर हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया। इसके बाद निशान लगाएंगे अपनी लेंथ का। तो मैं प्लाजो की लेंथ रखूँगी 37 इंच। तो देखिए 37 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए 37 पे निशान लगा लिया मैंने लेंथ का। और नीचे फोल्डिंग के लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा फोल्डिंग के लिए रहेगा। अब निशानों को हम मिला लेंगे स्केल से। आपके चाहे कितना ही हैवी साइज़ है, आपका एक्सेल साइज़ है, डबल एक्सेल साइज़ है, आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है। जो फॉर्मूले मैं आपको बताऊँगी इसमें, तो आपको वही यूज़ करने, चाहे कितना ही प्लस साइज़ है आपका। देखिए फ्रेंड्स, ये निशान लगा लिए हमने लेंथ का, नीचे फोल्डिंग के लिए भी, और ऊपर हमने इलास्टिक के लिए निशान लगा लिया है। और अब निशान लगाएंगे अपनी हम वेस्ट का। तो इसमें हमें सिर्फ हिप के नाप की ज़रूरत पड़ेगी, उसी के हिसाब से हम अपना आसन और वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो मेरे साइज़ में जो हिप साइज़ है वो 42 इंच है, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 10.5 इंच आएगा, और उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है तो हमारा आ जाएगा 13 इंच। तो ऊपर हम 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जितना हमारा ऊपर आया है उतना ही हमें इसका आसन लेना है। तो आसन भी हम 13 इंच ही लेंगे, जितना हमारा ऊपर निकला है उतना ही हम इसका आसन रखेंगे। पैंट में थोड़ा अलग होता है तरीका कट करने का, प्लाजो में थोड़ा अलग होता है। तो पैंट और प्लाजो की ड्राफ्टिंग और कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल अलग अलग है। तो देखिए हमने इस तरह से 13 इंच पर निशान लगा लिया है। वेस्ट भी हमें 13 इंच रखनी है और आसन भी हमें 13 इंच रखना है। आपको जो भी साइज़ है आपको इसी तरह से फोर्थ पार्ट करके उसमें 2.5 इंच प्लस करना है। अब देखिए निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। देखिए, और अब देखिए आगे हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, ये आसन की गोलाई के लिए। यहाँ से लेंगे 1.5 इंच और गोलाई देंगे हम। तो देखिए जो मैंने ये 1.5 इंच पर गोलाई दी है, ये 1.5 इंच पर ही देनी है आपको, ज़्यादा अंदर से गहराई नहीं देनी है और ना आसन में आपका खिंचाव आ सकता है। तो इस तरह से हल्की सी गोलाई देनी है आपको 1.5 इंच पर। देखिए, और देखिए
अब इसका हम निशान लगाएंगे बॉटम का। तो इसमें हमें देखिए सेंटर नहीं करना है, मैंने जो पहले बताया था प्लाजो उसमें हम सेंटर से कपड़े को सेंटर करके उसके बाद हमने ड्राफ्टिंग करी थी। इसमें थोड़ा तरीका अलग है, इसमें हम सीधा हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम मुझे रखना है 8.5 इंच। बॉटम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, 10 भी रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं, जितना आपको मन करे आप इसका नीचे का बॉटम रख सकते हैं। तो मैंने 8.5 इंच इसका बॉटम रखा है। अब शेप पट्टी लेंगे और इस तरह से हम शेप देंगे। अगर आप इस तरह से कटिंग करते तो कपड़ा थोड़ा कम वेस्ट होता है इसमें। तो फ्रेंड्स काफ़ी लोगों के पास कमेंट आते हैं अगर शेप पट्टी ना हो तो हम किस तरह से कटिंग करें, तो आप बिना शेप पट्टी के भी कटिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अभी वीडियो बनाई है बिना शेप पट्टी के पैंट की कटिंग और स्टिचिंग, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो का, तो उस वीडियो को देख कर आप सीख सकते हैं। तो क्योंकि फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है, अब इसे हम कट कर लेंगे। बिल्कुल हमें जो निशान लगाया उसी के ऊपर कट करना है, इसमें हमने कोई मार्जिन नहीं लिया है। जो मार्जिन लेंगे हम बैक पार्ट में लेंगे। देखिए ये कटिंग कर ली, अब देखिए साइड से भी हम इसे कट कर लेंगे। देखिए साइड से हमने कट कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट हमारा कट हो चुका है, हम करेंगे बैक पार्ट कट। तो जो बचा हुआ कपड़ा उसको हमने आगे देखिए इस तरह से बिछा लिया है। अब ऊपर से निशान लगाएंगे हम करीब 1.5 इंच पर। ये बैक पार्ट हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। अब निशानों को हम मिला लेंगे। ये देखिए अब इसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसे हम रखेंगे। जो हमने निशान लगाया 1.5 इंच पर ऊपर, वहीं से मिलाते हुए हम इसे रखेंगे। देखिए अच्छे से हमें सेट करना है ये। देखिए अच्छी तरह से हम इसे रख लेंगे सेट करके। और अब देखिए ये हमें, देखिए मैं 2.5 इंच लिया था आसन गोलाई के लिए, ये देखिए और ऊपर से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए इसको हम मिला देंगे। देखिए इससे सीधा और इसके बाद आगे हम फिर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से लेंगे फिर दोबारा से 1.5 इंच और गोलाई देंगे आसन के। देखिए अब यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे। पूरा 2.5 इंच पर हम नीचे तक निशान लगा लेंगे। और अब शेप पट्टी लेंगे और इस तरह से निशान लगाए हम उनको मिला के शेप दे देंगे। तो बैक पार्ट हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा साइड से और ऊपर से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसे। और अब देखिए जो हमने ऊपर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे देखिए हम स्केल से इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो ये आसन की तरफ से हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, दूसरी तरफ से बिल्कुल हमारा बराबर रहेगा, सिर्फ हमारा आसन के साइड से ही हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा बैक पार्ट। और अब इसे हम कट कर लेंगे। तो फ्रंट में हमने कोई मार्जिन नहीं लिया था, जो मार्जिन लिया हमने बैक पार्ट में लिया है। देखिए इसे भी हम साइड से अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स ये बैग और फ्रंट दोनों कट हो चुके हैं, इसे कट करेंगे पॉकेट। तो पॉकेट के लिए मैंने डबल कपड़ा रखा हुआ है। ये लेंथ मैंने इसकी 14 इंच ली है, ऊपर से लिया है 6 इंच, नीचे से लिया है 6.5 इंच और यहाँ से लेंगे 1.5 और गुलाई करेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से खुला हुआ है, इसे बाद में स्टिच कर लेंगे हम। अब हम पॉकेट के लिए निशान लगाएंगे। जो हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था उसके नीचे हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन पर कट लगा देंगे छोटे छोटे। तो कटिंग हो चुकी है, तो सिलना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इनके आसन जॉइंट करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों के हमें आसन जॉइंट करने हैं। तो देखिए हमने आसन जॉइंट कर लिया है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इस पर हम लगाएंगे पॉकेट। तो इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियो में अपने पॉकेट लगाना बता चुकी हूँ। तो जॉइंट हमने लगा लिया है, जो पॉकेट हमारे 2 पीस थे। अब देखिए जो हमने कट लगाए थे पॉकेट के लिए, ये देखिए ऊपर हमारा 2.5 इंच इलास्टिक के लिए, उसके बाद हमने 1 इंच में कट लगाया था नीचे, उसके बाद 6 पे लगाया था। अब देखिए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे रेक्टेंगल में और फिर सीधा करेंगे इसको। और पॉकेट इसके ऊपर सीधी रखनी है
और पॉकेट को आपको जो 2.5 इंच तब पे हमारा निशान था वहाँ मिला कर रखनी है आपको। 2.5 इंच ऊपर हमने छोड़ दिया, उसके बाद हमने पॉकेट को रखा है। ये देखिए आप जो निशान लगाए उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सिलाई लगा ली है हमने। अब कॉर्नर पे हम 2 कट लगा लेंगे। ये देखिए सिर्फ 2 कट लगाने हैं कॉर्नर पे हमें, ताकि हमारी पॉकेट अच्छे से फोल्ड हो जाए पीछे की तरफ। और अब पॉकेट को हम पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे, अच्छे से कोने निकाल लेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे थोड़ा मार्जिन देते हुए। तो देखिए सिलाई भी हमने लगा ली है। अब पॉकेट को देखिए इस तरह से खोलेंगे। और देखिए इस तरह से हमें ये फोल्ड करनी है। फोल्ड करके पॉकेट को स्टिच करेंगे तो पूरा नहीं सिलेंगे हम, करीब 2.5 इंच हम खुला छोड़ देंगे, उसके बाद पॉकेट को हम सिल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सिलाई लगा ली पॉकेट पे, पॉकेट करेंगे सीधा। ये देखिए पॉकेट हमने सीधी कर ली है। अब इसको उल्टी तरफ कर देंगे। ये देखिए तो पॉकेट हमारे को देखिए इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए अब इसे उल्टा करेंगे तो देखिए जो साइड से हमने 2.5 इंच खुला छोड़ा था, तो ये तो हमारा जो बैक पार्ट अटैच करेंगे उसके साथ आ जाएगा। और जो हमने जो ऊपर है उसमें पिन लगा लिए हमने, ये हम जब फोल्डिंग करेंगे नेफे के लिए तो उसमें आ जाएगी पॉकेट हमारी। अब पॉकेट हमारी लग चुकी है, अब इसका जो बैक पार्ट है उसे हम अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से रखेंगे और दोनों साइड हमें अटैच करनी है। इसके सिलना हम नीचे से स्टार्ट करेंगे दोनों साइड से। तो देखिए फ्रेंड दोनों की साइड हमने देखिए सिल दिए देखिए। और अब इसका हमें नेफा फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड अब इसका नेफा फोल्ड करेंगे तो 2.5 इंच हमने फोल्डिंग के लिए लिया था, तो इस तरह से देखिए हमें फ़ोल्ड करना है। और पिन लगा देंगे इसे पूरे में। ये देखिए पिन हमने लगा दी है, उसमें से लगा लेंगे हम सिलाई। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने नेफा भी फोल्ड कर लिया, उसमें डालेंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक आपको जितनी आपकी वेस्ट है उसे 6 इंच कम लेनी है। तो मेरे साइड में जो वेस्ट है वो 38 इंच है, इसको 6 इंच मैंने कम लिया है तो मैंने इसे 32 इंच लिया है। तो देखिए इलास्टिक भी हमने डाल ली है और एक सिलाई हमने खींच कर लगा ली है इसमें इलास्टिक के ऊपर। देखिए तो ऊपर से हमारी रेडी हो चुकी है, अभी हम इसे नीचे से तैयार करेंगे। तो इसमें हम लेस लगाएंगे, तो बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ मैं लेस लगाने का आपको। तो इस तरह से देखिए मैंने वाइट कलर की लेस ली है ये। अब देखिए जो नीचे का बॉटम इसे हम इस तरह से खोलेंगे और जितना हमने फोल्डिंग के लिए लिया था 2.5 इंच उसका निशान लगा लेंगे और स्केल से सीधा कर लेंगे। देखिए एक लाइन खींच लेंगे सीधी 2.5 इंच पर। अब जो देखिए लेस ली है हमने इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरह से देखिए लेस को आपको उल्टा रखना है। अब इस तरह से रख कर इस पर लगा लेंगे हम सिलाई। देखिए सिलाई हमें लगा ली है। अब देखिए इसको जो हमने 2.5 इंच लिया था एक्स्ट्रा इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और देखिए उल्टी तरफ से इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो जो सिलाई हमें लेस की थी उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमें लगा ली है, अब इसे करेंगे इस देखिए सीधा। तो देखिए हमारे को इस तरह से आ जाएगी। अब जो इसे हम देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम टॉप सीम लगा लेंगे तो हमारी लेस कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स सिलाई भी लगा ली है हमने। अब देखिए जो पीछे है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके इसके ऊपर हम लगा लेंगे सिलाई। तो देखिए फ्रेंड्स सिलाई भी लगा ली है हमने, दोनों बॉटम में हमने लेस अटैच कर ली है। अब इसकी हम सिलाई लगाएंगे बीच वाली। तो सबसे पहले जो आसन के पॉइंट है उनको हम बराबर करके पिन लगा लेंगे इसमें। अब पूरा एक साथ नहीं सिलेंगे हम, तो नीचे निशान लगा लेंगे बॉटम का। तो 8.5 मैंने निशान लगा लिया है, ये देखिए। अब देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। देखिए हल्का कम करते करते हम ऊपर 1/2 इंच पे पहुंच जाएंगे कम करते हुए। आपको डायरेक्ट एक बराबर आपको गैप नहीं रखना है सिलाई लगाते वक्त, आपको हल्का हल्का कम करते जाना है और आसन तक पहुंचते पहुंचते आपको 1/2 इंच तक पहुंच जाना है। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। फ्रेंड सिलाई लगा ली है हमने और हमारा प्लाजो कम्प्लीट। में दिखाती है वो खोल कर, ये देखिए
देखिए कितना अच्छा हमारा देखिए प्लाजो बना है ये देखिए। और लेस भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ देखिए हमारी अटैच हो चुकी है, और अंडरग्राउंड हमारी लेस अटैच हुई है। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल प्लाजो है, ये जिन लोगों को थोड़ा खुला खुला पहनने की आदत होती है प्लाजो, तो ये उनके लिए है थोड़ा लूज़ प्लाजो। तो जिनको थोड़ा फिटिंग का प्लाजो चाहिए उनके लिए भी मैंने वीडियो सेम इसी मेथड से मैंने प्लाजो बनाया हुआ है, उसमें आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगाई है मैंने, आप पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही कंफर्टेबल प्लाजो बनता है। अगर आपको पैंट की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है फुल इलास्टिक या बेल्ट वाली पैंट, सबकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आपको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर मिल जाएगा, उसमें सभी मेरी पैंट और प्लाजो की वीडियो है। तो आप चाहे कोई भी साइज़ है, कम साइज़ है या फिर ज़्यादा साइज़ है, इसी मेथड से आप बना सकते हैं, और आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही कंफर्टेबल, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। फिर भी अगर आप कोई डाउट है या फिर आपको काटने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर पिक सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।